धर्म का व्यक्ति है और जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। कहा गया है कि कर्म प्रधाना विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। आइए भजन के माध्यम से मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। केकरो बोरा बोरा वान केकरो रोटी पर नैनोन केकरो बोरा 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 वान ककरो रोटी पर नैनोन ककरो बोरा बोरा ककरो रोटियों पर नैनोन ककरो हाँ ककरो भिखारी बना के शहर शहर घूमली आईयो विधना लिख पा अगला करी है मेरा केकरो बेटा पार बेटा केकरो बेटी पार बेटी केकरो बेटा पार बेटा केकरो बेटी ये पार बेटी केकरो बेटा पार बेटा केकरो बेटी पार बेटी केकरो बेटा बताइए कितना सुंदर भजन। वही बात आज चल रहा है, मुझे रास्ते में कोई पागल मिल रहा है। सुनिए या बजा में जांगा ले में जान। अरे सुनिए या बजा में ये हो जांगा ले जिया हो बच्चा दुनिया में जाए साधु जी के यौरा दायो लेके जियौ
बाबा। आनंद रहो बच्चा। बाबा हाँ, आपका जैसे आवाज हमने सुने बाबा, मैंने अपनी झोपड़ी को छोड़ करके चारों तरफ नजर उठा करके देखे बाबा, तो आप जैसे संत महात्मा के ऊपर मेरा नजर पड़ गया बाबा। अच्छा बाबा, संत महात्मा सुनते हैं कि बहुत दयालु होते हैं महाराज। हाँ ये बात तो सत्य है बाबा। मेरे पास में 5 वर्ष का बच्चा है बाबा, आज उस बच्चा को भोजन के लिए आत्मा व्याकुल हो रहा है बाबा। क्या? हाँ बाबा, अगर मेरे बच्चा को आज भोजन नहीं मिलेगा बाबा, तो मेरा बेटा मर जाएगा बाबा। जय श्री राम। अगर मेरा बच्चा मर गया बाबा, तो साथ साथ उनके माँ पिताजी भी मर जाएंगे बाबा। क्या? हाँ बाबा, अगर आपके पास में दया है बाबा, तो मेरे बेटा के लिए कुछ भोजन दान दे दीजिए। ठीक है, मैं अवश्य दान दूंगा, भोजन अवश्य दूंगा बाबा। मैं उन बच्चे को कुश का कलेप नहीं लगने के लिए दूंगा बाबा। हाँ, हम लोग को भूख लगता है तो इस वन में वन का पत्ता चबा चबा करके अपने भूख को शांति कर लेता हूँ। क्या? पत्ता चबा चबा कर? हाँ बाबा, जब प्यास लगता है बाबा, तो ओस चाट चाट करके अपने प्यास को बुझा देता हूँ बाबा। लेकिन 5 वर्ष का मेरा बच्चा आज न वो वन का पत्ता चबाता है, न वो प्यास लगता है तो ओस चाटता है बाबा। आज वह बच्चा मेरे भोजन मांग रहा है। बच्चा ठीक है, लेकिन भोजन तो दूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता। क्या पूछिएगा? बच्चा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं नहीं जानता। मुझे बता दो। मैं जानता हूं कि तुमको घर और तुम्हारे नाम का पता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर ऐसा विपत्ति है कि इसलिए तुम इस हालात में। आ बाबा, मुझे बता दो, मैं भोजन अवश्य दे दूंगा। बाबा भोजन दीजिए या ना दीजिए, लेकिन मैंने अपने नाम किसी को नहीं बताता। बच्चा चाहे तुम किसी को नहीं बताना, लेकिन मुझे अवश्य तुम अपना नाम पता बता दो। जा सकते हैं आप, मुझे आपका भोजन नहीं चाहिए। मर जाएगा मेरा बेटा, सब्र बांध करके रह जाऊंगा, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। क्या नहीं बताओगे? नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है, अगर तुम नहीं भी बताओगे तो महात्मा उतना बेकूफ नहीं होता है कि तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। बच्चा तुम ये भोजन पकड़ो। जिंदगी में बचा बाबा दुनिया साना सान, जुगा जुगा नाम बाबा यो ले बातो हारा। भोजन रही हा बाबू दूला के हो जा, मैं तो भोजन दे दिया बाबा, लेकिन उस भोजन से 3 व्यक्ति का गुजारा नहीं जाएगा। मैं तुम्हें एक और संदेश देता हूँ, अगर हो सके पेट नहीं भरे तो किसी दुकान में जा करके एक कंगन भजा करके तुम भोजन कर सकते हो बाबा। हाँ, शायद आपसे बढ़कर के दयालु तो मैंने संसार में आज तक नहीं देखा।
क्या बाबा? और ये ले लो, और एक बात और सुन लो, अगर इससे तुम्हारा पेट नहीं भरे क्योंकि तुम बहुत दिनों से भूखा है, हाँ बाबा, तो सुरवलपुर राज में उस चौबटिया पर एक अबला नारी सदा व्रत बांट रही है। हाँ? हाँ। और उस नारी ने मुझे बोली थी कि बाबा आप, अगर वही नारी ने मुझे संदेश दिया था, ये कंगन उसी नारी का हाथ का, उसी नारी का है, क्या वह नारी चौराहे रास्ता पर वह सदा व्रत बांट रही है? सदा व्रत बांट रही है, अगर पेट नहीं भरेगा ऐसे तो तुम जाकर के वहां भोजन कर लेना। ठीक है बाबा, ठीक, अब जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये संत बाबा कितना दयालु है, मेरे बच्चे के लिए भोजन दान दिए और बोले कि जब उससे तुम लोगों को पेट नहीं भरेगा तो ये दोनों हाथ का कंगन ले लो, क्योंकि मैं कहां ले जाऊंगा इस कंगन को, ये कंगन कोई सेठ का या कोई दुकान में दे करके तुम भोजन करना। क्या ये कंगन, ये कंगन तो मेरे भाभी सोना हाथ की, इस कंगन पर दोनों भाई का नाम लिखा है। एक समय का बात है जब भाभी देवर दोनों मिलकर के मां गंगा हरिद्वार का मेला गया था देखने के लिए, तो मैंने उसी मेला में भाभी को दोनों हाथ में कंगन पहनाया था और इस कंगन पर दोनों भाई का नाम लिखाया था। क्या शायद वही भाभी तो वही सुरमलपुर नहीं चली गई है? ठीक है, मैंने रानी को बुलाता हूं और ये कंगन का समाचार उसे सुनाता हूं, रानी क्या जवाब देती है। रानी या बाप सुना ले या रजिया है छोटे किए हुए हैं। हाँ रानी, क्या बात है, अगर शायद तुम भी देख लिया ना तो
तुम्हारी कलेजा फट जाएगी रानी। क्यों रानी? नहीं रानी, प्यास लगे फिर बुलाने की क्या मतलब है? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ रानी कि तुम आंखों से इसे देख रानी कि ये किस रानी हाथ का कंगन है। ये कंगन आपको जंगल में किसने दिया है? संत बाबा ने। संत बाबा ने? हाँ। संत बाबा का काम है कि 10 द्वारी है, 10 जगह जाते हैं, कोई उसे कुछ दान देते हैं, कोई भोजन दान दे देते हैं, कोई वस्त्र दान दे देते हैं, कोई कुछ दान दे देते। तो संत बाबा की बात में क्या उलझ गए हैं आप रानी? हाँ, ये उस रानी हाथ का कंगन है रानी, जो अपने बदन पर बिजली का कोड़ा खा लिया लेकिन मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा गिरने के लिए नहीं दिया। किसकी बात कर रहे हैं? ये उस रानी हाथ का कंगन है रानी, जो कि दुशासन के तरह तुम्हारी बदन से पीतमड़िया सारी खींच लिया था और फटा पुराना पहना करके घर से भगा दिया है। कहीं मेरी बड़ी गोतनी रानी सोना की तो बात नहीं कर रहे हैं? हाँ रानी, ये कंगन मेरे बाबी सोना हाथ की। ये जोगी महात्मा के हाथ कैसे आ गया रानी? क्या बड़ी गोतनी रानी सोना मोहबी किला में यही दान देकर उसे विदा की थी? बाबी सोना राजमोबाम नहीं है रानी। फिर वह सुरमलपुर में राजा सुरमल सिंह ने उसका डोला उठा करके ले गया है शादी करने के लिए रानी। नहीं हाँ रानी, ये नहीं हो सकता है। संत बाबा ने बोले कि झूठ मूठ का मेला सुरमल सिंह ने सुरमलपुर में लगाया था, वही मेला देखने के लिए भाभी सोना ने गई सुरमलपुर, उस मेला से भाभी सोना का डोला उठा करके ले गया हरमजादा शादी करने के लिए। भाभी सोना ने अपनी इज्जत अपने धर्म को बचाने के लिए उन्होंने राजा सुरमल सिंह को बोली कि मैंने 12 बरस तक तुम्हारे राज में एक चौराहे रास्ता पर सादा बर्फ बांटूंगी, 12 बरस खत्म हो जाएगा, 13वां बरस चढ़ेगा, मैं तुम्हारे साथ राजा शादी कर लेंगे, इसलिए कि कभी से किधर से कहीं से भूले भटके मेरा देवर जी आ जाएंगे तो मेरा प्रतिष्ठा बचा लेंगे रानी। संत बाबा ने बोले कि उसका शादी का 2 रोज टाइम बच गया है, अगर 2 रोज में राजमाबा का कोई जवान नहीं गया सुरमलपुर तो रानी सोना के साथ सुरमल सिंह ने शादी कर लेगा। शादी कर लेगा? हाँ रानी। आप क्या सोच रहे हैं? जिस टाइम में उस घर से धक्के मार करके निकाल दिया गया उसी टाइम में सारा चीज खत्म हो गई। जो हक लड़ने वाला था वो भी हक को खत्म कर दिए उसी जगह, यहाँ तक कि जो वस्त्र देह पर पहने हुए थे वो भी उतार करके धक्के मार करके बाहर कर दिया गया। ऐसा लगा कि कोई हम लोग पराया आदमी है। क्या सोच रहे हैं? एक को का भाई अगर घर से धक्के मार करके बाहर कर दिया, ना खाने के लिए भोजन रखा ना सोने के लिए बिछावन रखे, जो गोतनी मां से भी प्यारी थी उस गोतनी को भी उस बिजली कोड़ा के बदौलत डरा धमका करके मेरी बदन पर से चीर खींच लिया गया। क्या बाकी रखा? जो गोत्री मोवी किला की रानी बन करके मोवी किला के महल में सोबती थी, आज वह सुरमलपुर की रानी बनने जा रही है, अब क्या रखा है? सारा इज्जत प्रतिष्ठा मोवी किला का मिट्टी में मिल गया, बाकी कुछ नहीं रखा है। अब इस संसार में बच करके संसार में क्या कीजिएगा?
मन तो करते है किसी दरियों में जाकर के डूब के अपना प्राण को तेज दे, ऐसा ही करेंगे। जब एक को का भाई जब घर से धक्के मार करके बाहर कर दिया, मेरी बड़ी गोतनी अब सुरबल फुल किनाने बनने जा रही है, बाकी अब कुछ नहीं रहा। अगर रानी तो मैं सुनूंगी, अगर भाभी सोना के साथ सुरमल सिंह ने शादी कर लिया रानी, संसार में किसको मुंह दिखाने के लिए जिंदा रहे। देश देश का राजा महाराजा मोगल पठान सभी राज मोबा पर ताना मारेंगे कि सब छत्री राज मोबा का मर गया, कि फिर रानी सोना के साथ दूसरा राजा ने शादी कर लिया। छत्री कुल में दोबारा मांग में सिंदूर नहीं पड़ता है, दोबारा अगर सिंदूर पड़ गया तो वो विनाश हो जाएगा। ऐसा कर रानी, अगर तुम अभी भी मुझे ऑर्डर दे दे रानी, तो मैं जाकर के भाभी सोना की दूल्हा वापस लौटा लेंगे। रानी एक बार हाँ बोल दे, भाभी का दूल्हा वापस लौटा लेंगे। मैं आपको हाँ कैसे बोल दूंगी, ना आपके कमर में लगी तलवार है, ना आपके पास सेना है, खाली हाथ जाइएगा मेरी भी मांग की सिंदूर उधर जाएगी, फिर मैं तो संसार में किसको लेकर के रहूंगी। छोटा सा बच्चा लेकर के किसी दरवाजे पर मैं अपने माथे को पटकूंगी, मैं आपको जाने के लिए नहीं दूंगी। इससे तो बेहतर है कि इसी जंगल में आग लगा दीजिए, तीनों व्यक्ति जल करके मर जाऊंगे, ना किसी की याद ना किसी की चिंता सताएगी। चल ठीक है, तुम्हारी कहना बिल्कुल ठीक है, चल इस जंगल में आग लगा देता हूं, चल तीनों व्यक्ति उस अग्नि में जल करके मर जाएंगे, ना संसार में जिंदा रहेंगे, ना कोई देश का राजा महाराजा मुगल पठान का ताना सुनेंगे। आ गया है लगा भी स्वामी जाना लाए पीछा में जा, आ गया से मैंने जंगल में आग लगा दिया रानी। संसार में जितना जीना था जी लिए, जंगल में आग लग करके तैयार ही, जितना दुख सुख भोगना था भोग लिए, अब दुख बर्दाश्त नहीं जाते। चल तैयार हो जा रानी इस अग्नि में जल करके मरने के लिए। मरने और मिटने के लिए मैं तैयार हूं। Yeah!
अफसोस की बात है रानी, जंगल में आग लगा दिया, जंगल में आग लग गई। जैसे उस अग्नि में, जैसे उस अग्नि में तीनों व्यक्ति ने कूद पड़े, न जाने देख रानी आग भी बुझा गई। क्या हुआ रानी, क्या हुआ, किसे देख रही है? स्वामी आश्चर्य की बात है। क्या है? विचित्र आग है। हम लोगों ने मरने मिटने के लिए तैयार हो गए, ना जाने एक पागल कहां से आ गया। पागल? हाँ, इस जंगल में पागल कहां से आएगा? अपना अपना जान सबको प्यारा हो। शायद तुम्हारी नजरें धोखा खा गई है। नहीं, लग रहा है एक तो हम लोगों को भगवान ने इतनी बड़ी कष्ट दे दिए कि कष्ट सह ना सकी, मरने और मिटने के लिए तैयारी हो गए। हम लोगों से भी ज्यादा कष्ट इन पागल को दे दिया है। परमात्मा क्यों आपने दुनिया बनाई है? सच में रानी, ये कहां से पागल आ गई? लगता है कि यही पागल ने आकर के आग को बुझा दिया। पागल कभी हंसता है, कभी रोता है, उनके दिमाग का कोई ठिकाना। ये भी पागल है, सब पागल है, पहले भी पागल था, ये सब भी पागल है। उसका जान प्यारा था। दुनिया पागल है। अफसोस हो रहा था, डर हुआ। जब इस जंगल में हम लोग आग लगा करके उस आग में कूदने के लिए तैयारी हो गए, देखा वो आग को बुझा दिया। ऐसा कीजिए, बेचारा को दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है। उनके आगे में ईट है, हो सकता है। शायद सभी आदमी इस बात को जानते होंगे कि पागल का दिमाग का कोई ठिकाना नहीं रहता है, किस चीज को कब वह हथियार बना लेगा। आगे में ईट है, हो सकता है अगर मेरे बेटा के सर पर मार दिया तो मेरा बेटा का सर फूट जाएगा, मेरा बेटा का प्राण छूट जाएगा। इससे पहले मैं किसी पैर के नीचे छिप करके बैठती हूं बेटा को लेकर के। आप इस पागल को प्रेम से आहिस्ते से
इस जंगल से कुछ दूर बाहर कर दीजिए, ताकि यह दूर निकल जाएगा, यह जंगल खाली हो जाएगा, तीन व्यक्ति बचूंगी, फिर आग लगा कर किसी जंगल में मर जाएंगे। ठीक है रानी, तुम बेटा को लेकर के किसी पेड़ के नीचे छिप करके बैठो, हम इस पागल को जंगल से बाहर कर देंगे, फिर दोबारा आग लगा करके मर जाएंगे। ठीक है, प्रेम से समझा दीजिए। ठीक है रानी, तुम बैठो। बैठती हूँ, शायद भूखा भी होगा, हो सकता है, तो आप प्रेम से निकाल दीजिए। चलो बेटा।